वाई आई हेट टू व्हीलर्स यू नो, बंद पड़ गई यू नो. देखो चाबी पहले पहले बात तो चाबी ऑन है, लेट सी. हाँ बंद पड़ गया यार. अभी क्या करने का, अभी ऑलमोस्ट 2 to 3 किलोमीटर है एंड आट लग गई यार. स्टे ट्यून. क्या कर सकते हैं अभी बंगार गाड़ी के साथ. अच्छा उद्देश्य स्टे ट्यून. सो मैनी ट्राई, मैं बेसिकली साइड के रास्ते के साइड को खोला है, खड़ा है. आफ्टर सो मैनी ट्राई दिस बाइक डोंट स्टार्ट. अभी क्या, मेरे आगे उत्ता, मेरे आगे कंपनी है, मेरे पीछे घर है. जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, व्हाट द फक. मैं एकदम मिडल में. सो व्हाट वी कैन डू, स्टे ट्यून. वाट लग गई वन सेकेंड. क्या करने का गाइस, जाने का आगे या पीछे जाने का. पीछे बहुत लंबा है, पीछे बोले थे घर को. घर तो ऑलमोस्ट, मैं अभी सावेड़ी में नहीं, सावेड़ी के आगे. तो थोड़ा आगे गया तो कंपनी आ जाएगी. तुम लोग ये काम करेंगे, कंपनी में जाएंगे, वहाँ पे चालू करेंगे. स्टे ट्यून. चौक देने के बाद चालू हो रही है, एक सेकेंड ना. तो हम लोग क्या करेंगे, वन सेकेंड चौक देंगे एंड 3 2 1 ओके. पेट्रोल पंप पे जाके लेके जाएंगे स्टे ट्यून. वो गाड़ी वन सेकेंड बंद हो चुकी है एट द सेम प्लेस. तो मेरे को लग रहा है कि मैं पेट्रोल खत्म हो गया, तो सामने पेट्रोल पंप तो नहीं है, बट धकल कर लेके जाएंगे स्टे ट्यून. एडवेंचर. आज का दिन पूरा एडवेंचर होने वाला है स्टे ट्यून. थोड़ा स्लोप आया इसलिए हम लोग का पैर बच गया, नहीं तो खत्म, स्लोप भी खत्म हो गया. तो ये करना पड़ेगा, धकल के लेके जाना पड़ेगा यार. हेड ओनली 5 मिनट मैंने गाड़ी को पुश किया, मेरे हड्डी पसली एक हो गई यार. पेट्रोल पंप बहुत दूर है, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर. गंदा ट्रैवलिंग हो रहा है मेरे से, मैं पूरा पसीना हो चुका हूँ. लेट्स सी व्हाट विल हैपन. आर वी, या ये पेट्रोल का प्रॉब्लम लगता है, या तो प्रॉब्लम वाला प्रॉब्लम लगता है. स्टे ट्यून. मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा. साइनिंग ऑफ. बहुत दूर जाना है यार. और फाइनली गाइस वी फाउंड वन पेट्रोल पंप. या सो मेरी हालत बेहाल हो चुकी है, आई डोंट नो, बट स्टिल वी विल फिल द पेट्रोल एंड वी विल मूव ऑन. स्टे ट्यून गाइस. हम लोग ने 50 का पेट्रोल डाला है. सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन, इज इट गोइंग टू स्टार्ट और नॉट. 3 2 1. व्हाट द फक यार, व्हाट द फक. सब कुछ ठीक है, फाइनली हो गई चालू. क्या बात है. ओ अभी लेट्स गो फॉर जॉब, दैट फकिंग शिट जॉब आई रियली हेट द मोस्ट. स्टे ट्यून. या ऑलराइट गाइस, बेसिकली अभी हम लोग आके घर में एंड इट्स ऑलमोस्ट 4 o'clock. 5-10 मिनट बाकी 4 o'clock बजने को. सो मेरा प्लान क्या है कि पहले जो भी आज है 1 जुलाई, करेक्ट राइट, जून जुलाई, यस यस 1 जुलाई है. तो जो भी प्रीवियस के जो व्लॉग्स मेरे पेंडिंग थे वो आज मैं अपलोड करने वाला हूँ. सो लेट्स एडिट दैट व्लॉग एंड लेट्स अपलोड दैट. साइनिंग ऑफ. स्टे ट्यून. और क्या, बस स्टे ट्यून. वी आर ट्रेडिंग by watching this beautiful and amazing view. Abhi ha ho gaya clear. My favorite yaar, like I just love these cities, you know. So yeah, stay tuned and enjoy this beautiful view. Oh my god, wow, this is my dream, you know, this is my dream. So yeah, stay tuned. तो वेलकम बैक वंस अगेन. तो यहाँ पे हो रहा है सनसेट एज ऑलवेज, बट आज का सनसेट जो है वो इतना अच्छा नहीं होने वाला बिकॉज ऑफ क्लाउड्स. क्लाउड्स का जो वो जो पाथ है ना वो एकदम बहुत मोकड़ा पाथ है. तो मतलब एक इधर आना, वो क्या बोलूँ मैं, एक इधर क्लाउड है तो एक उधर क्लाउड है उस साइड. कल की इतना ऐसे गर्दी नहीं है क्लाउड्स की. सो आज प्रोबेबली इतना अच्छा नहीं होगा सनसेट एज कम्पेयर टू अदर, बट टुडे विल बी द नेक्स्ट, नहीं ब्यूटीफुल डे. बेसिकली हो रहा है यहाँ पे सनसेट एंड वो कम्प्लीटली सेट होने वाला है एज सनसेट होता है दररोज कहीं पर. वो क्लाउड्स के पीछे जा रहा है वन सेकेंड, तो और उसको पाँच मिनट है कम्प्लीटली टू हैव अ सनसेट. एंड रिफ्लेक्शन तो अभी कुछ दिखा नहीं है. हाँ एक साइड दिख रही है पर पूरा इतना अच्छा नहीं है क्या येस्टरडे के जैसे. वी कांट कंपेयर बट स्टिल वी आर कंपेयरिंग. साइनिंग ऑफ. स्टे ट्यून्ड. एंजॉय.
गॉड एवरीथिंग इज पिंक 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 हां काय काय करना एकदा कर अरे अरे लाडला वॉक फॉर का पूरा पिंक 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 हो चुका है अमेजिंग यू नो आज का भी सनसेट मेरे को लगा नहीं था इतना मस्त दिखेगा बट वी आर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल थिंग वी आर वंस अगेन लकी पर्सन वेरी गुड लाइक